हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बनारस की स्पेशल चाट। ये खाने में जितनी टेस्टी होती है, बनाने में उतनी ही आसान होती है। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और घर बैठे मज़े लीजिएगा बनारस की चाट का। इसके पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो चलिए चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए लिया है मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी। ट्रेडिशनली इसमें देसी घी का ही यूज़ होता है, आप चाहें तो इसमें कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने डाला है 1/2 टीस्पून जीरा और 1 टेबल स्पून ग्रेट की हुई अदरक। अदरक का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अदरक आप इसमें ज़रूर ऐड करें और इसे डाल करके थोड़ा सा भून लें। और फिर हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। गैस की फ्लेम हम धीमी रखेंगे और धीमी आँच पर इसे थोड़ी देर भून लेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पोस्ता का दाना। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप यूज़ करो, अदरवाइज स्किप कर दो। इसके बाद थोड़ा सा इसे भून करके फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। इन सबको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो टमाटर आपके अच्छे लाल होने चाहिए, कच्चे टमाटर इसमें बिल्कुल यूज़ मत करिएगा और क्वांटिटी भी टमाटर की आलूओं से ज़्यादा रहेगी। तो टमाटर मैंने यहाँ पे लिए 6 से 7, इन्हें रफली चॉप कर लिया है। और अब इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून रेगुलर जो सफ़ेद नमक हम यूज़ करते हैं, उसे डाल करके थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और ये मैंने लिया है 8 से 10 क्रश किए हुए काजू, इसे भी हम टमाटर के साथ ऐड कर देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और लिड लगाकर इसे 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। जब तक ये पक रहा है हम बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। तो चाशनी के लिए लिया है मैंने 1 कप पानी और साथ ही इसमें ऐड कर दिया है 1/2 कप चीनी। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप इस तरह का जो रेगुलर खाने वाला चम्मच होता है इससे मेजर करके 5 चम्मच चीनी आप इसमें ऐड कर दें और मीडियम फ्लेम पर इसे बॉयल होने देंगे। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है और ये काफ़ी मात्रा में इसमें यूज़ किया जाता है, तो इसे आप ज़रूर ऐड करें। और फिर इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून चाट मसाला। इन सबको डाल करके बॉयल होने देंगे, हल्का सा ये स्टिकी सा होने लगे बस तब तक ही इसे हमें बॉयल होने देना है। बेसिकली बनारस की चाट में किसी भी तरीके की चटनी का यूज़ नहीं किया जाता है, इसी शुगर सिरप का यूज़ करते हैं। तो शुगर सिरप हमारा बनकर तैयार है, अब हम टमाटर चेक कर लेंगे। तो टमाटर भी हमारे डन है, अब इसे थोड़ा सा मैश कर लेंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ के 5 आलू। बॉयल करके पहले ही मैंने इसे मैश कर लिया था, अब इसे भी ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसे टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून चाट मसाला और 2 टेबल स्पून इमली की सौंठ। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर या इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं। सौंठ डालने के बाद इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2-3 मिनट इसे भून लेंगे, जिससे जो हमने अभी आलू डाला है उसमें भी मसाले और टमाटर का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। और फिर हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। दो मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, सारी चीज़ें आपस में अच्छे से पक चुकी हैं। अब इसे गार्निश करेंगे धनिया की पत्ती से और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसके बाद एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो आज मैं इसे सर्व करूंगी ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे बनारस में सर्व करते हैं मिट्टी के बर्तन में। तो इसके लिए मैंने एक मिट्टी की कटोरी ले ली है, आप इसकी जगह पर कुल्हड़ का भी यूज़ कर सकते हैं जो मिट्टी के आते हैं छोटे छोटे से, या चाट का दोना भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। चाट को मैंने सर्व कर दिया है, अब इसमें ऊपर से डाल देंगे हम शुगर सिरप। शुगर सिरप को आप ठंडा करके ही यूज़ करें। और फिर इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। इसे डालने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून देसी घी। ये इस चाट की जान है, इसे आप ज़रूर ऐड करें। अब इसे गार्निश कर देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया और प्याज से। प्याज इसमें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे सर्व कर सकते हैं।
और लास्ट में इसमें गार्निश कर देंगे बारीक वाले सेव। इसकी जगह पर आप नमक पारे भी यूज कर सकते हैं, ट्रेडिशनली इसमें नमक पारे ही डाले जाते हैं, पर इसे आज हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं इसलिए मैंने सेव का यूज किया है। ये एक मैंने दोने में भी सर्व किया है, तो लग रही ना बिल्कुल यमी डिलीशियस चाट। तो एक बार इसे आप ट्राई जरूर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।